दोस्तों फाइनली ऑनर ने आज इंडिया में अपने न्यू स्मार्टफोन ऑनर X9B 5G को लॉन्च कर दिया, जहां से इसकी कंफर्म स्पेसिफिकेशन, प्राइसिंग, बैंक ऑफर्स हर एक जानकारी बाहर निकल कर आ चुकी है, जो कि आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। और साथ में ये भी बताऊंगा कि आपको ये स्मार्टफोन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए। तो सारी जानकारी के लिए बस आप इस वीडियो में एंड तक जुड़े रहिएगा। सो है गाइस, मैं सौरभ, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम गाइस, लेट्स गेट स्ट्रेट टू द वीडियो। सो दोस्तों चलिए सबसे पहले मैं आपसे ऑनर X9B 5G को जो है एक बार स्पेसिफिकेशन के बारे में बातें कर लेता हूं। तो दोस्तों यहां पे जो आपको 6.78 इंच का एक 1.5K रेजोल्यूशन के साथ में आने वाला कर्व्ड एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा, जहां पे आपको 120 हर्ट्ज का हाईर रिफ्रेश रेट ला कर दिया गया है। डिस्प्ले बहुत अच्छी है, डिस्प्ले हम शिकायत नहीं कर सकते हैं। सामने की तरफ पंचोल स्टाइलिंग वाला डिस्प्ले है, जहां पे 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। बैक की तरफ 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। एंड हाँ, यहाँ पे आपको ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन देखने को नहीं मिलता है, बिल्कुल स्टेबलाइजेशन नहीं है, यहाँ पे कोई भी सपोर्ट देखने को नहीं मिलता है। एंड सेकेंडरी कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है, जो कि अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस के साथ में आता है। थर्ड कैमरा 2 मेगापिक्सल का है, जो कि माइक्रोसॉफ्ट सिलेक्ट कर देगा। मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, ना तो आपने यहाँ पे OIS प्रोवाइड करा है और ना ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस आपने 8 मेगापिक्सल का प्रोवाइड करा है। 5 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस क्या सेंस बनता है? कैमरास में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ। 5800 mAh की बैटरी है, जो कि टाइप सी पोर्ट के साथ में आता है। यहाँ पे आपको 35W का फास्ट चार्जिंग देखने को मिलता है। 35W क्या सेंस बनता है? मैं मानता हूँ आपने 5800 mAh का बैटरी दिया, बहुत अच्छा काम करा, बट एटलीस्ट 50W की तरफ शिफ्ट करना चाहिए, क्यों ऑनर है ना, करना चाहिए ना। तो 5800 mAh का बैटरी दिया, बहुत अच्छा काम करा, बट 35W का फास्ट चार्जिंग डिसअपॉइंटिंग चीज़ है। एंड यहाँ पे प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम की तरफ से स्नैपड्रैगन 6 Gen 1 चिपसेट देखने को मिल जाता है, जो कि 5G मॉडम को सपोर्ट करता है, जिसके कारण ये स्मार्टफोन 5G बन जाता है। प्रोसेसर मैं कहूँगा ठीक ठाक है ना, बहुत ज़्यादा अच्छा प्रोवाइड कर दिया गया है इस प्राइस पे ना, बहुत ज़्यादा वीक प्रोवाइड करा गया है। बैलेंस चिपसेट यहाँ पे प्रोवाइड करा है, जिस प्राइस पे ये रखा गया है इसको। एंड यहाँ पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर देखने को मिल जाते हैं। 3.5 mm जैक मिसिंग है, डुअल सिम का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। एंड ये स्मार्टफोन जो है मैजिक ओएस 7.2 पे रन करता है, जो कि आपको एंड्रॉयड 13 आउट ऑफ द बॉक्स देखने को मिलता है। यस, एंड्रॉयड 13 मिलता है, एंड्रॉयड 14 मिलना चाहिए था। एंड यहाँ पे आपको NFC का सपोर्ट भी देखने को मिल जाता है। तो ये रही स्पेक्स की कहानी ऑनर X9B 5G की। अब प्राइसिंग पे नजर डाल लेते हैं। तो सिंगल वेरिएंट में लॉन्च कराया गया है, जो कि है 8GB RAM प्लस 256GB इंटरनल स्टोरेज, जिसकी प्राइसिंग एक्चुअल रखी गई है 26,000 रुपये। बट अगर आप ICIC का कार्ड लगाते हैं तो 3,000 का डिस्काउंट हो जाएगा, जिसके बाद इफेक्टिव प्राइस है वो बन जाती है 23,000 रुपीज़। जी हाँ, 26,000 एक्चुअल प्राइसिंग, 3,000 का डिस्काउंट लगाओ, 23,000 प्राइसिंग बन जाती है। और दोस्तों अगर कोई फोन एक्सचेंज कर लेना चाहते हो तो 5,000 का एक्सचेंज बोनस देखने को मिलता है। इनफैक्ट मैं कहूंगा अगर आप कार्ड वगैरह लगा कर ले सकते हो 23,000 में, तो मैं बैलेंस डील कहूंगा। बट 26,000 रुपये में स्मार्टफोन मैं स्ट्रॉन्गली रिकमेंड नहीं करता हूँ, क्योंकि 26,000 के अकॉर्डिंग ये फोन में कुछ ऐसा खास प्रोवाइड नहीं करा गया है। इसके जगह पर बहुत सारे मार्केट में और स्मार्टफोन आप उसको देख सकते हैं। बट हाँ, आप इस स्मार्टफोन को जो है कल से मतलब 16 फरवरी से जाके परचेज कर सकते हैं अमेजन के ऊपर से, तो आप इसे ले सकते हैं। अब बात रही मेरी ओपिनियन की, देखो मैं आपको सिंपल सा बात बताता हूँ, अगर आप इसको बैंक ऑफर्स लगा कर ले सकते हो तो ले लो, 23,000 रुपीज़ में अच्छा डील है। बट अगर बैंक ऑफर्स लगा नहीं लगा सकते हो, 26,000 में लेने का मन है, तो मैं कहूँगा थोड़ा सा वेट कर लो। आपको ही पता है 18-20,000 के अंदर फिर से हमें ये स्मार्टफोन देखने को मिल जाएगा कुछ दिन में, जैसे अभी ऑनर 95G हमें देखने को मिला था 18-20,000 में, वैसे ये स्मार्टफोन भी हमें 18-20,000 में देखने को मिल जाएंगे कुछ दिन बाद। तो थोड़े दिन का वेट कर लेना, अगर कर सकते हो तो कर लो, नहीं तो 23,000 रुपीज़ में कार्ड ऑफर्स लगाकर ले सकते हो। तो बस दोस्तों यही जानकारी थी जो मैं आपको देना चाहता था ऑनर X9B 5G से रिगार्डिंग। तो बस फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक तो कीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। दोस्तों आपका कोई भी क्वेश्चन या फिर ओपिनियन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ डालिए। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे किसी ऐसे ही और नई वीडियो में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। बाय बाय।